वॉट इज वर्डप्रेस? हम वर्डप्रेस सीख तो रहे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली है क्या, किस तरह से शुरू हुआ। वर्डप्रेस इज अ सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक सिस्टम है जिसके ऊपर अपना कंटेंट हम मैनेज करते हैं। वर्डप्रेस जैसे आप लफ्ज से देख सकते हैं, वर्ड और प्रेस। वर्ड मतलब अल्फाज और प्रेस मीन्स जैसे प्रिंटिंग प्रेस होती है जहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, उसको कहते हैं प्रेस। तो अल्फाज का प्रेस। वर्डप्रेस जब शुरू हुआ था तो ये सिर्फ ब्लॉगर्स के लिए बनाया गया था, जहाँ पे लोग अपने ब्लॉग्स लिखते थे, जैसे ब्लॉग वेबसाइट्स, आर्टिकल पब्लिश करते थे, न्यूज़ शेयर करते थे। उसके बाद जब चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई तो वो इवॉल्व करता गया। आज के दिन के अंदर तकरीबन 40% वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस सीएमएस के ऊपर बनी है। इसके अंदर आप ब्लॉग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, इंफॉर्मेशन वेबसाइट, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ओपन सोर्स है, हर कोई इसको यूज कर सकता है। ये पीएचपी के ऊपर बना हुआ है मोस्टली, और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, wordpress.com और wordpress.org। ये चीज हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, बट इन दिस वीडियो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्डप्रेस। इट इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम थ्रू विच वी डिजाइन वेबसाइट्स यूजिंग डिफरेंट थीम्स एंड प्लगइन्स। वर्डप्रेस 2003 में शुरू हुआ और आज व्हाइट हाउस की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्लॉग है वो भी वर्डप्रेस सीएमएस यूज करता है। इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। मैं और मेरी टीम ने तकरीबन 500 से ज्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनाई है, अपने लिए और क्लाइंट्स के लिए। marketers.pk, डिजिटल इदारा, नेक्सोल, टेकॉनक्लिक.com, ये सारी वेबसाइट्स वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है।